दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रेती रमण पांडे की 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। पूर्व कुलपति प्रोफेसर रेती रमण पांडे की 15वीं पुण्यतिथि के संयोजक एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र राय ने पूर्व कुलपति प्रोफेसर रेती रमण पांडे के बारे में बताया कि पूर्व कुलपति प्रोफेसर रेती रमण पांडे का व्यवहार विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों के प्रति एक समान रहा। एक पिता जिस तरह घर की जिम्मेदारी का दायित्व निभाता है, उसी तरह पूर्व कुलपति प्रोफेसर रेती रमण पांडे गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए रखते थे। इस मौके पर प्रति कुलपति प्रोफेसर हरिशरण, पूर्व प्रति कुलपति प्रोफेसर श्रीकांत दीक्षित, प्रोफेसर CPM त्रिपाठी, प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र सहित विभिन्न विभागों के शिक्षक एवं विद्यार्थी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र राय ने कहा, वेदांत का जो मुख्य प्रतिपाद्य है उनको मैं आज एक श्लोक में कहता हूँ। वो आधा श्लोक है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म। ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है, ये जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। ये अद्वैत वेदांत का मुख्य प्रतिपाद्य है कि ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है और वो ब्रह्म कैसा है, अद्वैत रूप है, जिसको अंग्रेजी में नॉन ड्यूअल। सभी प्रकार के भेदों से, सभी प्रकार के प्रपंचों से, सभी प्रकार के विशेषों और विशेषणों से रहित है, जिसका किसी भी रूप में कथन नहीं कहा जा कर किया जा सकता कि वो ऐसा है, वो ऐसा है या वो ऐसा है। जो शब्द से, भाषा से, कथन से परे है, जिसको किसी रूप में इंगित ही नहीं किया जा सकता, ऐसा है वो ब्रह्म। और जिसको जीव कहते हैं, जो अनेक रूपों में प्रकाशित होता है, वह जीव वास्तव में ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। जैसे ब्रह्म चैतन्य रूप है वैसे जीव, लेकिन जीव जो भिन्न दिखाई देता है वो इसलिए कि वो शरीर, मन, बुद्धि आदि उपाधियों से सीमित है, इसके नाते वो ब्रह्म से भिन्न दिखाई देता है और जगत ये मिथ्या। इस मिथ्या शब्द को थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि प्राय वेदांत दर्शन के संदर्भ में विशेष करके शंकराचार्य मिथ्या है। सामान्य जन में ये धारणा है कि हमारे यहाँ तो कहा गया है कि ये ब्रह्म माया है, मिथ्या है, माने झूठा जगत मिथ्या है, झूठा है, यानी संसार कुछ है ही नहीं। तो संसार की बेहतरी के लिए, संसार को अच्छा बनाने के लिए है ही नहीं, तो उसको अच्छा बनाने का प्रयास क्यों? जैसे विज्ञान है वो संसार को अच्छा प्रदान करता है, नए नए ज्ञान, नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने ले आता है, तो ये मान करके कि संसार है। आज का जो कार्यक्रम आयोजित है इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में, एक गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुलपति आचार्य रेवती रमण पांडे जी की पुण्यतिथि के लिए ये कार्यक्रम आयोजित है। अब प्रोफेसर पांडे एक इस तरीके का द्वितीय कुलपति थे कि वह विद्यार्थियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एकदम पूरी तौर से पिता तुल्य थे और विद्यार्थी उनके भी स्मृति में इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है या कार्यक्रम जो है उन्हीं के पूर्ण स्मृति में एक व्याख्यान माला के रूप में प्रसारित हो रहा है और प्रतिवर्ष जो है इसको विगत जो है 16 वर्ष से मनाया जा रहा है। 15वीं पुण्यतिथि है तो 15वीं पुण्यतिथि पे एक उनके मृत्यु के समय ही हुई थी और या उसके बाद की लगातार 15वीं यह भी है उनके पूर्ण स्मृति को हम इसी बहाने याद करते हैं। वो इस तरीके के व्यक्तित्व थे कि यहाँ के विद्यार्थी उनको एक पिता के रूप में मानते थे और सबसे पहले विश्वविद्यालय में
पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को या किसी भी राष्ट्रपति को उन्होंने इस परिसर में वो ले आए थे और विद्यार्थी उनको जो है एकदम पूरी तौर से पिता मानते थे, सभी शिक्षकों को वह आचार्य कहते थे। कोई बड़ा किसी अदने को कैसे बड़ा बना देता है यह कोई उनके व्यक्तित्व से सामान्य रूप से सीख ले सकता है। प्रोफेसर सभाजीत मिश्र का मुख्य व्याख्यान था द्वैत वेदांत पर। प्रोफेसर चित्तरंजन मिश्र जो महात्मा गांधी वर्धा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति रहे हैं, यहाँ के प्रतिकुलपति हैं, मुख्य नियंता हैं, इस विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर CPM त्रिपाठी जी हैं और अन्य सभी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, विद्यार्थी हैं और कर्मचारीगण हैं।